मीडिया की सुर्खियों में आए दिन ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का कोई न कोई कारनामा चर्चा का विषय बना रहता है। बताते चलें कि बीते दिनों उत्तराखंड सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन आदि के सत्यापन के लिए विकासखंड अधिकारी को निर्देश जारी किए गए थे, किंतु विकासखंड कार्यालय में बुजुर्ग व विकलांग लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। आज उनकी लापरवाही का एक और कारनामा देखने को मिला, जिसमें निवर्तमान प्रधानों ने आज विकास खंड कार्यालय में नारेबाजी कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से राज वित्त 14 वित्त का भुगतान न होने पर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा है। ये कार्रवाई शासन द्वारा वित्त अधिकार के लिए प्रशासन के लिए स्वीकृत हो गई है, तो ये तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। हमारा जो रीजन है 14 राज्य वित्त का रीजन है, 14 वित्त का पैसा आ चुका है, 3 महीने से खातों में पड़ा हुआ है और जिसका कार्य भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार के आदेश हो गए और शासन के आदेश उसके आदेश हो गए हमें कोर्ट के, लेकिन जो ये यहाँ ग्राम एडीओ है उनका कहना है कि मैं नहीं निकालूंगा और इसमें हमारे जो कार्य है अधूरे पड़े हैं उसे कार्य पूरा करने में बहुत दिक्कत आ रही है। लाइव उत्तराखंड के लिए नैनबाग से सुभाष बुनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।